हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है हैप्पी दिवाली, और दिवाली के साथ साथ मैं लेकर आई थी अपने हॉस्पिटल से 2-3 दिन की छुट्टी, तो वो कल खत्म होने वाली है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आज हम लोगों को बोटिंग करवाने ले जाओ। एक्साइटमेंट इतनी ज़ाहिर नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ, मतलब थोड़ा कुछ हो रहा है, 1 महीने बाद, थोड़े दिन का। हाँ, अब फटाफट अक्षय जा रहा है नहाने, गया है, फिर उसको लेकर मैं वापस जाऊँगी और फिर हम करेंगे बोटिंग। ये जगह पता कौन सी, एक बार मैं और अक्षय यहाँ से आए थे, हमने यहाँ भी ब्लॉग बनाया था। या हमारी आज की सवाल हम जाते हैं। कितने दिन से बोल रहे हैं आपको आज ले ही आया, दिल दुख दुख कर रहा है पापा को, नहीं तो तैरने एक को भी नहीं आता। वो हम पानी के बीच में आ गए। एक बराबर पानी हो गया यहाँ का, किस चल रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा है। हम कितने लकी हैं, हमारे पास में इतनी अच्छी अच्छी जगह है, मतलब एक फायदा भी दिखता है कि इसको डेवलप करवाएं और मतलब लोग आए यहाँ पर, फिर लगता है फिर कचरा हो जाएगा यहाँ, कहाँ क्यों बुलाने, बहुत ज्यादा। वो उधर से आ रहे हैं, उधर से। बेस्ट दिवाली होगी आज की, वापस जा रहे हो हम लोग, पर वाह यार हर कुछ मजा। हम पता नहीं कितने टाइम से बोलते थे पापा को ले जा नहीं। हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ हमारा लास्ट अड्डा है। अंकल अपनी किश्ती अब पार्किंग पे लगाएंगे। है ना मेरा गांव सुंदर, मुझे आ गई अच्छी मेरी स्मेल ऐसी है जैसे उतरी हूँ। आज अक्षय की करतूत भी दिखाती हूँ, घर जाके दिखाती हूँ, लेकिन ठीक है आई शो यू अच्छे से। दिवाली भी है तो सोचा आज का ब्लॉग बना लेते हैं, रंगोली बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर एडिट आज ही करना पड़ेगा ताकि पोस्ट हो जाए, नहीं तो 3 ब्लॉग्स की तरह भी रह जाएगा। लेट्स गो। है पापा जी, अब आप अपनी किस्ती निकाल रहे हो रोड वाली। पहले ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रहा कि अब आप फिर से लेकर आओगे, पक्का ज्यादा समय के लिए प्रॉमिस। तू बैठ पहले, तू बैठना, मैं भी पहले बैठा था, खिसक। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अब दिन का वो काम होने वाला है जिसकी मुझे दिवाली में सबसे ज्यादा वेट होती है, और वो होती है रंगोली टाइम। ठीक है, ये हमारी जुगाड़ों से भरी हुई रंगोली बनेगी। ये आटा है, ये हल्दी है, ये कुछ कलर्स है, और बाकी किसी चीज में मिक्स कर करके कलर्स बनाएंगे, देखते जाओ बस। रंगोली बना दी एक बार, प्लीज कैमरामैन दिखाएं जरूर, दिखाएं मेरी मेहनत को, मेरा कैमरामैन भी घायल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू माय कैमरामैन का हाथ, ये देखिए। तो ये इसने क्या किया, सुबह इसको नारियल दिया छीलने के लिए, इसने अपने आप हाथ पे टच चाकू घुसा लिया, ठीक है। तो इसने देखा कि दीदी ऐसे क्यों है, शी इज फिट एंड फाइन, तो व्हाट ही डिड, ठीक है, मैं ना ऐसे इससे ना ऐसे पाँव बना दी थी, अंदर दिखाऊंगी आप लोग को। तो मैंने ऐसे लिया और मैंने इसके मुंह पे यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो कलर लग गया ये, और वो जो मेरे एक और कजन जो अभी यहाँ पे रंगोली बना रहे थे, ये दोनों मेरे पीछे दौड़े कि दीदी को आप कलर लगाएंगे। तो व्हाट ही डिड वाज दिस, ठीक है, सलवार, लोग फटी हुई जीन्स पहनते हैं, मेरे भाई ने फटी हुई सलवार पहनाई है मुझे, सी दिस। अब आपको दिखाते हैं
इतनी सुंदर सी रंगोली बनाई। पहले रंगोली की वीडियो भी नहीं बना रहा था, मैंने इसको बोला अगर तू पश्चाताप करना चाहता है कि तूने दीदी को फेंका है और ये वो, क्योंकि इसको थोड़ा बुरा लग रहा था, तो फिर इसको मैंने बोला तेरे को मेरी वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं इसका फायदा उठा रही हूँ। सी चेक माई हाउस, देखो मैंने ना पाँव बनाए हैं ऐसे ऐसे, तो मेरे को नहीं आते सके थे माता रानी ऐसे चलेंगे ऐसे। अब आप लोग को आराम से फुर्सत से समझाती हूँ। पापा तेल डाल रहे सारे दियों में। अब आपको ये जो स्टूल की तरह दिख रहा था, इसको हमारी साइड चौकी बोलते हैं। इस पे सारे दिए सजा दिए, ये पापा पूजा कर रहे हैं। दादाजी ने पहला दिया जलाकर सबको दे दिया कि लो अब बाकी सारे तुम लोग लगाओ, ठीक है? अब हम लोग उन दियों की पूजा करते हैं बेसिकली। अब पूजा करने के बाद पापा इसको दो तीन जगह और रखेंगे मेन रंगोली पे रखने से पहले। तो ये ताया जी स्वीट्स के साथ एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे पापा ने ये दूसरी बार रखा है। अब ये यहाँ पे भी सेम पूजा होगी, यहाँ पे फूल जलेबी वगैरह सब चढ़ाएंगे दियों को। और अब यहाँ से हम मेरी रंगोली को एकदम बचा बचा के जा रहे हैं, विच इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। पापा ने मेरी रंगोली का खास ध्यान रखते हुए, यहाँ तक दिवाली में बड़ा मज़ा आता है, सारे इकट्ठे होते हैं, गोल गोल घूम रहे, गाना गा रहे थे हम लोग दिवाली के इर्द गिर्द घूम के। आगे जो ये पार्ट शुरू होता है ना पटाखे जलाने वाला, ये मुझे सबसे गंदा पार्ट लगता है। आगे आप खुद देख लो यार मेरे साथ क्या क्या हुआ है, खुद आप मेरे पे तरस खाओगे। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों वो शुरू होने वाला है जिससे हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हम सिर्फ वो प्लेयर्स हैं जो सिर्फ फुलझड़ी चला सकते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं दादाजी हमारे ने बहुत प्यारा प्रदर्शन करते आ रहे। वाह 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 वाह, असली प्लेयर्स आते हुए अब ये करेंगे पटाखे फोड़ेंगे। हम यहाँ कमेंट्री कर सकते हैं, हम मैदान से दूर ही रहना, हम अपनी भलाई समझेंगे। ऐसे कौन करता है? अक्षमी जाओ, ओ भाई साहब हाथ में, हाथ मत फोड़ो, ओ भाई साहब खतरा। पापा जी हाथ में मत फोड़, पापा जी हाथ पास में क्यों फोड़ रहे हो आप? जा रहा हूँ मैं कमरे के अंदर, अंदर से देख लूंगा, मुझे सच में बहुत डर लगता है टाको से। मैं तो इधर आ गई हूँ अंदर, यहाँ से देखो सेफ होकर एकदम। फुलझड़ी जोन जब हमारा आएगा तब आई कैन गो आउटसाइड। अच्छा जला ले, दूसरा कौन है ना उसे जला लो पटाखे बेवकूफ। ज्यादा लोग पटाखे फोड़ने वाले तो मेरी इनके साथ बनती नहीं है, वो प्रजाति उधर है। हाय स्टार्ट एंड माय सॉन्ग इनकार। मैं सच बता रहा हूँ, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े और मेरे पास स्टिल यही फोन हुआ ना अगले साल तक भी, मैं दिवाली दिन में मनाऊंगा। हम डन गए तो दिवाली पार्टी, बाकी अब खाएंगे पिएंगे, आज करेंगे दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं पता नहीं कब, इस दिन आप लोग इस पटाखे मत छोड़ो, इसी दिन मिस मी बाय। कहाँ जा रहे हो? मेरी वीडियो ब्लूपर्स के बिना अधूरी है मेरे दोस्त। ये सिला दिया है इन्होंने मेरी इतनी सारी मेहनत का, हे भगवान। मत करना अक्षय, तो क्यों कर रहा है? फुल कर रहा है, नहीं हो मेरा दिल, मैनू नहीं हो चाहिदा।